सब्सक्राइब करें एवरीथिंग इजी चैनल को और बेल का आइकन दबाइए हमारा नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एवरीथिंग इजी चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज दोबारा आप लोग की खिदमत में एक नया वीडियो और एक नए अपडेट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों सऊदी अरब में तो आप लोगों ने फुतूर यानी अफ्तारी कराने का सुना होगा कि मस्जिदों में और रास्तों में और खेमों में दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों मस्जिद नबी और मस्जिद हरम में भी फुतूर दिया जाता है, अफ्तारी लोगों को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आज अमीर मक्का अमीर खालिद अल फैसल ने ऐलान किया और उसने ऑर्डर दिया सबील कमेटी को कि आज से ईद तक जो आखिरी अशरा है इसमें सहूर भी दिया जाए, यानी सहरी भी लोगों को दिया जाए। यानी अमीर मक्का वजब तवजी 250 अल्प वजबा सहूर योमिया अला दीपुर रहमान तलियत अशर आखिर। यानी दोस्तों जो मक्के का अमीर है खालिद अल फैसल ने सबील कमेटी को 2,50,000 सहूर के वजबे है जो उसके पॉकेट है उसने ऐलान किया और सबील कमेटी को बताया कि 2,50,000 वजबे तमाम दीप रहमान में तकसीम किया जाए। ये वजबे जो है ये जो सहूर के पॉकेट है किधर किधर दिए जाएंगे इसके बारे में बता रहा है कि तवजी वजबात सहूर अला दीप रहमान हौल मस्जिद हराम मुसाहत मुहैता व बेमहत्ता इंतजार हाफिलत नजरदीकल वक्त बेन सलातहजद वजर वजारेगा बेमशारेका सब वमसिन मिनजहातल खैरियल अफराद। दोस्तों मक्का गवर्नर अमीर खालिद अल फैसल ने सपील कमेटी को बताया कि ये वजबे 2,50,000 वजबे जो है आखिरी अशरे में दिए जाएंगे ये हरम के अंदर और उसके बाहर खाते में और बस स्टैंड में जिधर हाजी दीप रहमान इंतजार करते हैं बस का उधर दिया जाए। तहज्जुद और फजर की नमाज के दरमियान दीप रहमान को ये वजबे दिया जाए सहूर का। इसमें दोस्तों गवर्नर मक्का अमीर खालिद ने बताया कि 57 कंपनियां इसमें जो खैरिया की कंपनी है वो इसमें मुसायदा करेगी और इससे जो दीप रहमान हैं जो लोग तवाब कर रहे हैं या तहज्जुद पढ़ रहे हैं हरम के अंदर उन लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगा, उसको ही सहूर मिलेगा क्योंकि उसमें बहुत बुजुर्ग भी आते हैं उसके साथ कोई होता नहीं है तो फिर उसको एक घंटा पहला जाना पड़ता है बाहर होटलों में उधर से उसको लेना पड़ता है। पैसों की बात नहीं है लेकिन एक सहूलत है जो बुजुर्ग जाते हैं उसके लिए अच्छा है, उसको उधर ही मिलेगा और लोगों के साथ ये फिक्र भी नहीं होगी कब तहज्जुद खत्म होगा और कब मैं जाऊंगा सामान लूंगा खाने के लिए, तो वही फिक्र भी खत्म हो जाएगा, लोग अपने इबादत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक भी करें शेयर भी करें मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।